नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूँ मैं एक फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है माघ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर दो, दो बजकर के एक मिनट तक है और इसके पश्चात द्वादशी है मृगशिरा नक्षत्र है इंद्र योग विष्टिकरण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज वृषभ राशि में दोपहर एक बजकर उनसठ मिनट तक इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बजकर के तीस मिनट तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है आप जानते हैं इस योग का महत्व कोई भी कार्य विशेष करके बैंकिंग इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करना है जैसे बैंक में पैसा इत्यादि जमा करना है तो ऐसे विशेष कोई कार्य अकाउंट इत्यादि खोलना है तो ऐसे किसी कार्य को करने के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा नक्षत्र से संबंधित होने वाली है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथ ही साथ छह फरवरी दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष में है मंगल और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ में दोपहर दो बजे के बाद ये चंद्रमा मिथुन में प्रवेश करेंगे तुला में केतु हैं बुध धनु में है सूर्य मकर में शुक्र में और शनि युति बनाकर कुंभ में संचरण करें और देव गुरु मीन में यह है ग्रह स्थिति आज मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन चंद्रमा का संचरण रहने वाला है तो बुधवार और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण वार जो है वो सौम्य है और चंद्रमा का संचरण उग्र ग्रह के नक्षत्र में है मंगल के साथ ही है दोपहर दो, दो बजे तक इसके पश्चात मिथुन राशि में ये प्रवेश करेंगे और मिथुन तो राशि में प्रवेश करते ही बुध की दृष्टि से दृष्ट और गुरु के साथ चौथे दसवें के संबंध से योग का निर्माण आज गोचर कुंडली में चंद्रमा करने वाले हैं आज का ये दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है कौन सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शकों मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं छह फरवरी दिन सोमवार बोरबेल इत्यादि लगवाना है तो वहीं बीज वपन करना है धान इत्यादि कहीं रोपने रोपना है रोपण कार्य करना है वर वरण, कन्या वरण वधु प्रवेश विवाह पाणी ग्रहण संस्कार के भी मुहूर्त मिल रहे हैं और हर तरह की वस्तु खरीदने और बेचने का मुहूर्त है दोपहर दो, दो बज करके अट्ठारह मिनट से दोपहर तीन बज करके चौवन मिनट तक और सायकाल छह बजकर के ग्यारह मिनट से रात्रि आठ बजकर के पच्चीस मिनट तक कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है विशेष करके मुकदमा दायर करना है तो दोपहर दो, दो बजकर के सत्रह मिनट से दोपहर चार बज करके साय चार बज करके पांच मिनट तक आप कोर्ट कचहरी से संबंधित यानी मुकदमा दायर इत्यादि भी करने वाले हैं तो ये कार्य कर सकते हैं प्रिय दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि आठ बज करके दस मिनट पर आप सबके सम्मुख लाइव रहता हूं अपने इसी चैनल पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए तो इस राशिफल के ठीक एक घंटे बाद मैं आप सबके सम्मुख लाइव रहूंगा आप भी आना मत भूलिएगा यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का विशेष करके यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका कोई शास्त्रीय समाधान आपको बता सकूं तो बस थोड़ी सी मदद आप मेरी करिए थोड़ी मदद मैं आपकी करता हूं आप थोड़ा अपना समय मुझे दीजिए और मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी परेशानी से जूझ रहा है उसकी मदद किसी भी तरह से की जाए तो आप इस लाइव कार्यक्रम से अवश्य जुड़ने का प्रयत्न करिए प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में आप अपनी जन्म कुंडली को बल्कि खोल करके सूत्र को मिलाइए केतु के तीन नक्षत्र कौन कौन है तो अश्विनी मघा और मूल अब इन तीनों नक्षत्रों को देखें तो अश्विनी मेष राशि के अंतर्गत आता है मघा सिंह और मूल धनु राशि के अंतर्गत। इनमें से जो दो राशियां हैं और धनु, इनके बारे में पूर्व में भी मैंने आप सबों के सम्मुख चर्चा करके बता रखा है कि ये वो दो राशियां हैं जिनमें कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव नहीं देता है इस सूत्र को आपने पूर्व में सुना है मेष की यदि बात करें तो मेष में सूर्य उच्च के होते हैं फलतः यहां अश्विनी नक्षत्र में बैठे सभी ग्रह भी अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल ही देते हैं विशेष करके मेष में भी यह ध्यान रखना है सिंह और धनु में भी यह ध्यान रखना है कि जो ग्रह मघा और मूल इन नक्षत्र विशेष में आ रहे हैं क्योंकि सवा दो नक्षत्र के मिलने से एक राशि का निर्माण हो रहा है तो एक चीज आप आजमा करके देखिए यदि आपकी जन्म कुंडली में इन तीनों ही नक्षत्रों में से किसी में भी जैसे सूर्य हो गुरु हो मंगल हुं, और इन तीनों में से किसी पर भी एक आप जाहिर सी बात है तीनों ग्रहों की चर्चा ऐसे हो नहीं सकती है आप तीनों किसी में मिल जाए तो बात ही अलग है लेकिन किसी कुंडली में किसी एक ग्रह की भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि गुरु सूर्य या मंगल नक्षत्र अश्विनी हो या मघा हो या मूल हो इन्हीं में बैठे हों और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में अपने आप में यह बहुत महान राजयोग बन गया यहां तक कि इन नक्षत्रों में बैठे ये केवल अकेले ग्रह भी अब सवाल ये नहीं जैसे कि आप समझिए अश्विनी नक्षत्र में यदि मंगल बैठे हैं तो मंगल स्वगृही हैं सूर्य बैठे हैं तो वो सूर्य उच्च के हैं मघा में यदि सूर्य बैठे हैं तो वो सूर्य स्वगृह और मूल में यदि देव गुरु हैं तो वो गुरु स्वगृही हैं मैं ये नहीं कह रहा कि स्वगृही ही हो आप इसे उल्टा किसी भी तरह से कर दीजिए इन तीनों में ही कहीं ये ग्रह दिखाई आपको पड़े परंतु नक्षत्र विशेष ध्यान रखिए कि नक्षत्र केतु का ये जो नक्षत्र है केतु का स्वभाव आप जानते हैं ऊर्ध्वगामी आज के इस परिवेश में ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये तीनों के तीनों ग्रह या कोई एक ग्रह इनमें से किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक ऊर्ध्वगामी सोच को लिए हुए होगा एक सामान्य परिवेश सामान्य सामान्य पर परिवार में भी जन्म लेकर के वो उत्थान करेगा और इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता कहां है कि इस सभी के तीनों के तीनों ग्रह ऐसे हैं कि यहां इनमें से किसी एक भी राशि में है तो कुंडली को मजबूत बना देंगे यहां तक कि यदि वह कारक नहीं है तब भी तो ऐसे जातक को विशेष उत्थान की ओर ले जाते हैं और अगर कहीं इन्हीं नक्षत्रों में बैठे ये तीनों में से कोई एक ग्रह किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट हो जाता है तो ऐसा जातक केवल ऊर्ध्वगामी सोच को लेकर के पैदा नहीं लेगा इस समय में जन्मा बच्चा ऊर्ध्वगामी सोच के साथ साथ एक समय विशेष को पूरा करने के पश्चात यानी आयु के उत्तरार्ध में जाने से पूर्व ही वो केवल और केवल धन की नहीं सोचेगा वरण धर्म की सोचेगा और अंततोगत्वा उसके मन में जो विचार उत्पन्न होंगे पूरी तरह से उसको वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करेंगे यानी इन तीनों ही नक्षत्रों में बैठे ये तीनों ग्रह आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी एक भी ग्रह होगा उस जातक को अंत तो गत्वा आध्यात्म की ओर प्रवृत्त कर देंगे यानी जीवन के पूर्वार्ध में वो खूब धन हासिल करेगा और धन के बदौलत ऊंचाई को छुएगा, और जीवन के उत्तरार्ध में वो आध्यात्म के बदौलत ऊंचाई को छुएगा, यानी एक ही जीवन में ऐसा जातक दोनों ही चीजों को भोगने वाला होगा अगर आपकी कुंडली में है या किसी भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जो कि आपके नजर में बेहद सफल रहा है अगर ऐसे योग हैं तो आज मान लीजिए ये योग कहीं किसी भी कुंडली में घटित हो रहा है शत प्रतिशत ऐसा ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है ये चंद्रमा दोपहर दो बजे के बाद राशि से आपके तृतीय में होंगे मंगल के नक्षत्र में है बिना योजना बनाए कार्य मत करिए हालांकि एक बात बता दूं कि भाग्य आपके साथ है योजना बनाकर के काम करते हैं तो सफलता मिलेगी कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं दिन आपके लिए लाभप्रद बना बना रहने वाला है परंतु ध्यान रखिएगा कि अपने व्यवहार को इतना जटिल मत बना दीजिए कि लोग आपसे दूरी बनाने लगे तो आज आपको अपना व्यवहार लचीला बनाना होगा प्रैक्टिकल बनना होगा सबके साथ जुड़िए सबसे मिलिए हर किसी की खुशी में हंसी में उसकी सफलता में शामिल होइए दिन बेहद खास हो जाएगा जो लोग नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं वो एक बात का ख्याल रखें कि वाणी पर नियंत्रण रखें और उतना ही बोलें जितना पूछा जाए कुल मिलाकर के मेहनत भरा रहने वाला है दिन लेकिन बेहद सफलता प्रदायक है दिन अच्छा है दिन का उत्तरार्ध और बढ़िया होने वाला है व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी व्यापार में आपको फायदा मिलेगा परंतु याद रखिएगा किसी के भरोसे आज नहीं रहना है इससे काम बिगड़ेगा उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं है किसी को धन उधार मत दीजिएगा और समझ लीजिए कि पूर्व के जितने भी रुके हुए काम थे खुद के भरोसे खुद की मेहनत से वो पूर्ण होने वाले हैं लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन ठीक है स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है तो जरा खान पान पर ध्यान रखिए और आज काल गजेंद्र मोक्ष का पाठ है श्रवण तो आपकी, आपकी उग्रता के कारण आपके काम बिगड़ने वाले हैं धैर्य न रख पाने के कारण आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना जो पुराने कार्य आपके चले आ रहे हैं उन्हीं को पहले ठीक करिए अत्यधिक धन कमाने के लोभ में आज कोई गैरकानूनी कार्य मत कर बैठिएगा कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं परिणाम आज नहीं निकलेगा लेकिन अगर आज आप प्रयत्न करते हैं तो उसका आने वाले दिनों में अवश्य ही परिणाम आपके पक्ष में आएगा तो कुल मिलाकर के मेहनत से पीछे मत हटिए व्यापारियों की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि अधिकारियों का प्रेशर आज पूरे दिन आपके ऊपर बना रहेगा बहुत सावधानी के साथ काम करना है संभव है कि आपसे जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं वो आपकी चुगली भी कर दें तो आज जो सचेत रहना है और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना है पैसे का हिसाब किताब व्यापारी वर्ग आज जरा ज्यादा ही ध्यान से रखें और किसी के लिए अभद्र भाषा का विशेष करके आपके साथ काम करने वाले आपके नीचे काम करने वाले आपके यहां काम करने वाले के साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार मत करेगा नहीं तो वो व्यक्ति आपका शत्रु बनेगा और आज आपके लिए मुश्किलें खड़ा कर देगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी से सहयोग मिलेगा परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है अगर जीवन साथी आपका वर्किंग है तो उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी हो सकती है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के पहले तो सचेत रहिएगा और मद्यपान मांसाहार से आज पूरी तरह से दूरी बना करके रखिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश ना करें मिथुन के जातक भी आज निवेश ना करें जहां भी रहें सभ्यता के साथ ही हर किसी के साथ पेश आइए विशेषकर विपरीत का सम्मान करिए लोगों का सम्मान करिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो हर किसी का सम्मान करिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से वफादार बने रहिए ईमानदार बने रहिए भाग्य का साथ कम मिलेगा यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है अपने कार्य में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं दिन ठीक नहीं है कुल मिलाकर के पर्सनल हो या प्रोफेशनल हर मामले में परेशानी है तो जरा सचेत रहिए व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो सकता है तो आपको सचेत रहना है भावनाओं में बहकर के कहीं कोई निर्णय नहीं लेना और विशेष करके किसी को धन उधार नहीं देना नहीं तो आज दिया हुआ पैसा लौट वा, कर वापस नहीं आएगा दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा जीवन साथी के साथ थोड़ी सी मतभेद मैं, मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है मतभेद पूर्ण रहने वाला है दिन और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम ही मिलता दिख रहा है कि आपके लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है पैरों से संबंधित तकलीफ दिखाई पड़ रही है पैर में दर्द या पैर में चोट लगने की शिकायत दिखाई पड़ रही है आज मसूर की दाल या तो किसी गरीब को दान कर दीजिए या बहते जल में प्रवाहित करिए लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए हरा है कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है निवेश लाभप्रद होगा योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है और कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति बेहद आपके पक्ष में रहने वाली है धन लाभ के दृष्टिकोण से सफलता के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है अगर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी दिन सफलता प्रदायक है मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं सरकारी नौकरी करते हैं तो आज का दिन आपको आपको कुछ खास दे जाने वाला है धनागमन की संभावना भी है कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा मत बनिएगा जीवन साथी के साथ अच्छा रहने वाला है दिन दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटनी चाहिए अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और सफलता मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आज केशर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा लकी अंक नौ लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है निवेश अवश्य करिए सिंह के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं आज का दिन बहुत बढ़िया है कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना है जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है तो उसे करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी माता के साथ संबंध में यदि कड़वाहट उत्पन्न हो गया था तो संबंध में सुधार आएगा हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में जरा सचेत रहना विशेष करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ऑफिस में टीम भावना के साथ काम करिए सबकी मदद लीजिए सबकी मदद कीजिए व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा लाभ में वैसे तो स्थिति ठीक है पर खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए और अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिए प्रेमियों के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन आपका सामान्यतया ठीक विद्यार्थियों की बात करूं तो संघर्ष भरा, भरा है दिन लेकिन कड़ी मेहनत से के बाद जो सफलता मिलने वाली है वो अत्यंत श्रेष्ठ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पित्तजन्य रोग की संभावना है सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा जरूरत पड़ने पर किसी डॉक्टर से भी जाकर के राय मशवरा आपको कर लेना चाहिए और आज गोग्रास अवश्य निकालिएगा प्रातः खाने में से थोड़ा सा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश भी आप करिए कन्या के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्यतया मिला जुला है ना बहुत अच्छा ना खराब कार्यक्षेत्र में लोग आज आपसे प्रभावित होंगे जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है किसी को धन उधार मत दीजिएगा किसी आपके अपने खास या रिश्तेदार के कारण आज आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं तो जरा सचेत रहिएगा हालांकि जो कार्य आपने हाथ में लिया हुआ है वो कार्य आप प्रयत्न करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा व्यापारी वर्ग को भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए सफलता थोड़ी बाधित दिखाई पड़ रही लाभ में कमी आएगी हालांकि फिर भी मैं यही कहूंगा कि व्यापार में जो भी कार्य आप कर रहे हैं योजना बना करके करिए लेन के मामले में सावधान रहिए और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है इस पर विचार कर सकते हैं प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है स्थिति आपके पक्ष में और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहने वाला है स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं बस थकान आज आपको महसूस थोड़ी ज्यादा होगी मंदिर में आज हलवे का भोग लगाइए लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश जानकार की राय से करिए तुला के जातक निवेश करने से बचें आपके द्वारा लिया गया फैसला आज गलत सिद्ध हो सकता है स्वाज पहले तो मनमानी करने से बचिए और हर मामले में धैर्य रखिए आज नेतृत्व करने का दिन नहीं है जरूरत पड़ने पर कभी कभी पीछे चलना चाहिए आज वही दिन है पीछे चलिए पीछे चलने से अगर भला हो जाता है तो बुराई क्या है नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा कार्यक्षेत्र में परेशानी दिखाई पड़ रही है समझ लीजिए कि मुंह के पास आया हुआ भोजन थाली में सामने थी छोड़िए मुंह में आया वो भी हाथ से निकल जाए ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कई मामलों में छोटी मोटी परेशानियां अच्छी बात क्या है कि उच्च अधिकारियों से सहयोग या सहानुभूति आपको प्राप्त होगी यह सरकारी नौकरी पेशा लोगों की बात मैं कर रहा हूं व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है हालांकि सोच समझ करके आपको भी निर्णय लेना है स्वास्थ्य में परेशानी आपके दिखाई पड़ रही कफ जन रोग की शिकायत और संभव है कि आज कोई बड़ी डील तो आपको नहीं करनी है क्योंकि कोई बड़ी मीटिंग या डील इत्यादि है तो वहां पर आप मुसीबत में पड़ेंगे प्रेम संबंध के मामले में दिन को सामान्य कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं विद्यार्थियों की बात करूं तो आसान नहीं रहने वाला है दिन सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है या तो यूं कहें कि मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है तो स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा आज प्रातःकाली गणेश जी की आरती करिए कपूर से लकी अंक एक लकी कलर ब्राउन है निवेश ना करें वृष्टिक के जातक निवेश कर सकते हैं परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा मन चाह परिणाम चाहते हैं तो उसके लिए आज संघर्ष भरा दिन मान लीजिए आज का और खूब संघर्ष करिए एक सबसे जरूरी बात जो कार्य कर रहे हैं उस पर स्थिर होकर के उस कार्य को पहले पूरा करिए बार बार कार्य में बदलाव करना क्योंकि आपके मन में पहले तो बार बार परिवर्तन उत्पन्न होगा बार बार बदलाव आएगा नए नए ख्याल नए नए आइडियाज उत्पन्न होंगे ऐसे सफलता नहीं मिलेगी जो कार्य आप पहले तय किए हैं उसे पूरा करिए यात्रा सचेत होकर के करिए कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छा कार्य की अधिकता होगी दबाव आपके ऊपर होगा तो कुल मिलाकर के इस मामले में दिन ठीक नहीं और व्यापारियों की बात करूं तो कहीं पैसा आपका फंस सकता है इसका भी आपको ध्यान रखना है निवेश बहुत सावधानी के साथ करना है लेकिन हर निवेश से आपको फायदा मिलेगा पुराने वाद विवाद को भूल जाइए विवाद से दूरी बनाइए और सबसे जरूरी बात जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश मत करिए जिद्द मत करिए जीवन साथी से बहुत प्यार से पेश आइए जीवन साथी के ऊपर दबाव मत डालिए विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनके चरणों में से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है निवेश आप करें धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है किसी परेशानी में फंसे हुए थे तो समझ लीजिए आपको आपके प्रयत्नों से मुक्ति मिलेगी सफलता मिलने वाली है आज किसी पर दबाव डालना है किसी से अपनी बात मनवानी है अगर आप सही हैं तो आप ये कार्य करिए कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है आज सबसे जरूरी मंत्र है धैर्य धैर्य के साथ आप काम करते हैं और व्यर्थ के चीजों में व्यर्थ के दिखावे में वाद विवाद में नहीं पड़ते तो आज का दिन निसंदेह आपको सफलता दे जाएगा जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी का जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन ठीक है लाभप्रद रहने वाला है किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें वैसे मैंने कहा कि किसी पर दबाव डालना है पर फिर भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक है वाणी पर संयम आपको रखना होगा सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए तो खैर बहुत ही बढ़िया है आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत संभव है किसी न किसी बात की चिंता आपको सताएगी आज किसी जरूरतमंद की मदद करिए चाहे धन से अवस्त्र से अच्छा रहेगा दिन लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है निवेश करिए मकर के जातक आज भी निवेश ना करें आज किसी जरूरतमंद गरीब की मदद करें कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी प्लानिंग के साथ काम करें सफलता आपको तभी मिलेगी नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो आज उच्च अधिकारियों के व्यवहार से आप थोड़े क्षुब्ध नाराज हो सकते हैं पर ध्यान रखिए अपनी नाराज नाराजगी सही जगह पर ही प्रकट करिएगा व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं व्यापार में छोटी मोटी समस्याएं रहने वाली हैं समस्या से मुक्ति मिलती दिखाई नहीं पड़ रही फिर भी एक सलाह देता हूं झूठ बोलने से बचिए सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को भी सचेत करना चाहता हूं और प्रेम संबंध में परेशानी किसी तीसरे की वजह से आने वाली है विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी यानी चिंता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन आंखों से संबंधित परेशानी आंखों में इंफेक्शन की संभावना दिखाई पड़ रही है बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा अवश्य करिए लकी अंक आपके लिए आज आठ और लकी कलर का है निवेश से बचिए कुंभ के जातक भी निवेश से बचें सहज और सरल बने रहें जल्दबाजी न करें अति उत्साह में आकर के बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है हालांकि कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन ठीक है आपके कार्यों में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही पर फिर भी परेशानी तो रहेगी जल्दबाजी में सफलता की जगह असफलता का मुंह देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो जरा इस बात का ख्याल रखें व्यापारियों के दिन को मैं सामान्य कहूंगा किसी भी तरह के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए और जोखिम भरा कोई भी कार्य न करिए जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा पर जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना है सचेत रहिए विद्यार्थियों की बात करूं तो भागदौड़ आज थोड़ी ज्यादा रहेगी हालांकि सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है टेंशन भी बना रहेगा और मौसमी बीमारियों को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं कफ जन्य रोग की संभावना है मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करिए लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए पिंक है निवेश न करें और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए दिन ठीक है हर तरह से किसी भी तरह की कठिन परेशानी से जूझ रहे थे परिस्थिति से जूझ रहे थे वो परेशानी दूर होने वाले दिन सफलता प्रदायक है कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पाया था यूं समझ लीजिए कि आपकी कड़ी मेहनत से वो कार्य बनने वाला है नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं उच्चाधिकारियों से आज आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है दिन भागदौड़ भरा रहेगा लेकिन सफलता प्रदायक कमीशन से जुड़ा काम करते हैं जबरदस्त सफलता सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर राजनीति हर क्षेत्र में बढ़िया शाम होते होते और विशेष लाभ की संभावना है हालांकि अति उत्साह में आकर के जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना और सबसे जरूरी बात का ख्याल रखिए किसी का अपमान मत करिए बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है पेरेंट्स का सम्मान आज बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत खास कहूंगा सफलता प्रदायक है दिन आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से ठीक दिखाई पड़ रहा है पिता को यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए बाकी आपका स्वास्थ्य ख्याल आपका स्वास्थ्य ठीक है आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए इससे और ज़्यादा दिन बढ़िया हो जाएगा कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी लकी अंक दो लकी कलर आपके आज हरा है निवेश अवश्य करिए तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार